हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आप भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बहुत सारे लोग जो remoto.com के बारे में पूछ रहे थे, जिसपे आपको रिमोट जॉब मिल जाती है आसानी से। सो बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे कि क्या ये जो प्लेटफॉर्म है रियल है फेक है, इस प्लेटफॉर्म पर हमें जॉब सर्च करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और क्या सचमुच हमें यहाँ से अगर कोई जॉब लेते हैं तो वो हमें मिलती है फिर नहीं मिलती। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं भी जॉब अप्लाई करने जाए या फिर किसी भी वेबसाइट पर जाए, तो सबसे पहले उसका रिव्यू जरूर चेक करें, तभी दोस्तों वहां पर जॉब के लिए अप्लाई करें। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा जो है ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ चुका है, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आती है जो आपके जॉब के नाम पर जो आपके साथ ठगी कर लेती है। तो कैसे पहचाने दोस्तों कि एक रियल जॉब वेबसाइट क्या है, क्या सचमुच हमें वहां पर जॉब मिलती है फिर नहीं मिलती है? सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप उस वेबसाइट में जॉब सर्च करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके व्हाट एस इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट एस इन्फॉर्मेशन जरूर चेक करें कि वहाँ पर आपको कस्टमर सपोर्ट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। बात करें दोस्तों रिमोट जॉब्स की, तो यहाँ पर आपको किसी तरह कोई भी कस्टमर केयर नंबर वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, और ना ही दोस्तों इनके अबाउट अस की जो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर आप रिमोट जॉब्स का डोमेन वगैरह चेक करेंगे, तो वो आपको जो है 14 साल पुराना दिखाएगा, मतलब बहुत दिनों से ये जो लोग हैं वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अगर हम जॉब के लिए सर्चिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर किसी भी वेबसाइट में आप जॉब सर्च के लिए जा रहे हैं, तो जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अगर वहाँ पर आपसे किसी भी तरीके का कोई अप्लाई चार्ज मांगते हैं, या फिर आपको जॉब के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसी जॉब्स ना करें, ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई ना करें। क्योंकि अगर आप यहाँ पर पैसे दे रहे हैं या फिर किसी भी वेबसाइट के लिए पैसे दे रहे हैं, ऐप के लिए पैसे दे रहे हैं कि आप वहाँ पर जॉब मिल जाएंगी या फिर आपको वहाँ पर अच्छी नौकरी मिल जाएंगी, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों आपके साथ एक फ्रॉड हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपसे किसी भी जॉब के बाद इंटरव्यू के बाद जो है पैसा वगैरह मांगा जाता है, तो वहां पर भी दोस्तों आप पैसा बिल्कुल भी ना दें। क्योंकि ये लोग जो है आपको इंटरव्यू क्लियर कराने के नाम पर पैसा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे लेते हैं। सो अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी जॉब प्रोफाइल वगैरह जो है, फिर उस वेबसाइट या फिर जो उस कंपनी में, जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लें, तभी दोस्तों अप्लाई करें। ये 3-4 चीज़ें हैं दोस्तों जिनका ध्यान रखें आप कोई भी वेबसाइट पर जाए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जॉब के लिए सर्च करें। बात करें दोस्तों रिमोट जॉब की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जेन्युइन जॉब वगैरह तो देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों कुछ जॉब होती है जो यहाँ पर फेक पोस्ट भी होती है, जो काफी लोग जो है आपको अच्छे लुभावने ऑफर देते हैं, और उन ऑफरों को देखकर आप जॉब के लिए अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वो आपसे जो है सैलरी के नाम पर या फिर दोस्तों रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपके साथ जो है स्कैम कर सकते हैं, तो इसके लिए सतर्क रहें। इसका दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना। एंड दोस्तों आपको क्या एक्सपीरियंस है रिमोटिव जॉब्स के बारे में, या फिर रिमोटिव जॉब्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, वंदे मातरम।